अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज का टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दरअसल बैक्टीरिया के हवाले से, विच इज़ द अनदर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अलग से ग्रुप है। अच्छा, क्या एक बात मैं आपको बता दूँ, वर्ड बैक्टीरिया जो है इट्स अ प्लूरल वर्ड ना, ये प्लूरल है यानी एक से ज़ायद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंगुलर जो है वो दरअसल क्या है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम स्पेल बता दे तो BACTERIUM, बैक्टीरियम। सही, सिंगुलर के लिए बैक्टीरियम और प्लूरल के लिए बैक्टीरिया। अच्छा, अब यहाँ बैक्टीरिया जो है बुनियादी तौर पर इट्स ए माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दरअसल क्या है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, शुरू में आपको याद हो कि मैंने कुछ बातें बताई थी कि अगर किंगडम्स की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पांच किंगडम्स हैं। कौन कौन सी? मेरे बोले किंगडम प्लांटाए, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजी, किंगडम प्रोटिस्टा और एक मैंने बताई थी किंगडम प्रोकैरियोट्स। जो आमतौर पर जो बैक्टीरिया का ताल्लुक जो है वो किंगडम प्रोकैरियोट्स से ही है, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी इन्हें हम अपनी आम आँख के ज़रिए, अपनी नेगेड आई के ज़रिए हम इन्हें देख नहीं सकते। सही, वी शुड हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी इनको देखने के लिए, सही, अदरवाइज हम इनको देख नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बेनतिया छोटे होते हैं। कितने? मैं आपको इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मिसाल दे सकता हूँ कि इंसान के मुंह में, इंसान का जो माउथ जो है जहाँ दांत और जबान और जबड़े मौजूद हैं, सिर्फ मुंह के अंदर इंसान के पास जो है इतने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जितनी कि इस पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी है, अबाउट 7 बिलियन यानी 7 अरब यानी 700 करोड़। 700 करोड़ इस पूरी दुनिया की क्या आबादी इंसानों की, इतने ही बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ इंसान के मुंह के अंदर मौजूद होते हैं और इससे ज़्यादा बैक्टीरिया इंसान की इंटेस्टाइन के अंदर यानी आंत के अंदर मौजूद होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बैक्टीरिया कितना ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया इंसान के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि हमारी पेट के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। सही है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, सही, हमने सुना भी होगा। सही है, डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं, मददगार साबित होते हैं। कमर्शियल पर्पज़ में इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं वहीं कुछ नुकसानदेह भी बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। सही है, जो कि हमारी बीमारियाँ फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टीबी की बीमारी, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो उस बैक्टीरिया के ज़रिए फैलती है। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड जो है वो भी बैक्टीरिया के ज़रिए पे, जिसका नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफोसा, एक बैक्टीरिया है जिसके ज़रिए, एक बैक्टीरिया में जिसके ज़रिए आपके पास ये बीमारी फैल रही होती है। और डिफरेंट किस्म के डिजीज़ हैं जो कि आम तौर पे इसी बैक्टीरिया की वजह से फैल रही होती हैं। यानी जहाँ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए अच्छे, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पैथोजेनिक है, हमें बीमार कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बीमारी के अलावा कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमारे खाने को ख़राब करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। यहाँ वही बातें लिखी हैं जो कि, अच्छा एक और बात जो कि बैक्टीरिया के हवाले से, दे आर द डिकम्पोजर्स एज वेल, ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, दे डिकम्पोज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं एज द फंजी, जैसे कि फंजी कर देते हैं, हमने पढ़ा भी फंजी डिकम्पोजर्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो जैसे इंसान या डिफरेंट लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स मर जाते हैं तो ज़मीन के पे, ज़मीन को, ज़मीन के अंदर ये जो है ज़मीन में डिकम्पोज करके उससे सिंपल सब्सटेंस में ज़मीन के अंदर जज्ब कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इंसान की जो आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उसके खाने को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं,
मदद करते हैं। जब इंसान मर जाता है और मरने के बाद जैसे दफन वफन करके चले जाते हैं, तो वही बैक्टीरिया उसी की बॉडी को क्या करना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर देन आपके पास जो है डिकम्पोजिशन हो जाती है इंसान की, इंसान सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है और देन वो ज़मीन उसे क्या कर लेती है, जज्ब कर लेती है। अगर आप देखें कोई कबर बहुत पुरानी अगर नज़र वज़र पड़े तो उसके अंदर सिर्फ ढांचा होगा, गोश वोश तमाम चीज़ें क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि वो डिकम्पोज होकर ज़मीन गायब कहीं नहीं होती, ज़मीन के अंदर क्या हो चुकी होती है, जज्ब हो चुकी होती है। खैर बाकी इंशाल्लाह आज का चैप्टर हमारा यहाँ कम्प्लीट हो गया, बाकी जितनी बातें हैं उसे मैं कवर करूँगा आपकी वर्किंग में। अभी से सुनिएगा बार बार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।